शिक्षा ही है उज्जवल भविष्य का आधार। अपने बच्चों को दे सही दिशा, आज ही एडमिशन कराएं कालपी का सबसे विश्वसनीय स्कूल दयानंद बाल विद्या मंदिर। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, जहां बच्चों को मिलता है बेहतरीन वातावरण, यहां हम उनके मानसिक विकास के साथ उनके शारीरिक विकास पर भी देते हैं विशेष ध्यान। दयानंद बाल विद्या मंदिर कालपी जालौन। जालौन में एक युवक ने अपनी पत्नी को फंसाने के चक्कर में अपनी वृद्ध माँ की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देकर युवक ने पत्नी सहित उसके परिजनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए जालौन के एसपी अमरेंद्र प्रसाद ने बताया कि 22 तारीख की रात को घर के बाहर राम प्यारी की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका के पोते अरुण ने अपनी पत्नी सुनीता देवी और उसके परिजनों के खिलाफ सिरसा कलर थाने में हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा लिखाया था। इस मामले में सुनीता और उसके अन्य परिजनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन कहीं भी हत्या में उन लोगों का हाथ नहीं आया। लेकिन जब पुलिस ने शिकायत करने वाले बेटे को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो सारी कहानी सामने आ गई। दरअसल कुछ दिन पहले अरुण की पत्नी सुनीता और उसकी मां रामप्यारी के बीच विवाद हो गया था, जिसमें अरुण ने मां का साथ देते हुए पत्नी के साथ मारपीट कर दी थी। इस मामले में सुनीता ने पति अरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पत्नी अपने जीजा के घर चली गई थी। इस मुकदमे का बदला लेने के लिए अरुण ने अपनी ही माँ की सोते वक्त हत्या कर उसका आरोप पत्नी और उसके परिजनों पर लगा दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा है। हत्या का कारण तो क्या? पृष्ठभूमि यह है कि 20/21 की रात में सास और बहू में झगड़ा हुआ, उसमें उसका लड़का बीच में आया तो उसने भी अपनी मां का साथ दिया और बहू की पिटाई की। बहू ने एक NCR थाना सिरसा कलार में पंजीकृत कराया और अपने जीजा के यहाँ जो छोटी मरिया गांव में उसकी बहन ब्याही है वहाँ वो चली गई। उसको वो कन्नौज की रहने वाली है बेसिकली, तो वहाँ से उसके सूचना प्राप्त होने के बाद उसके पिताजी भी आ गए। तो जो अभियुक्त है इसने सोचा कि अब इसने हमारी FIR करा दी है हमारे खिलाफ, तो पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई की है, इसके पिताजी भी आए हुए हैं, कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, तो इसने अपने माँ की हत्या कर दी स्वयं। और ये करीब हम समझते हैं 7-8 बजे रात 21/22 की रात्रि में हत्या कर दी। और करने के बाद इसके अरुण के दूसरे भाई जो बाहर रहते हैं तो उनके द्वारा इसमें मृतका की पत्नी और उसके पिताजी मतलब उसकी बहू जो है उसके फादर और उसके दो रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। आशा यह था कि ये मुकदमे में फंस जाएंगे और इसी आशय से ये सब कराया गया था और अपराध किया गया था, लेकिन पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी किया है। न्यूज वीके के लिए कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।